Hello friends, my name is Puneet Sombura, right? We are discussing our subject power system 1. The subject code is 3140914, right? Continue with our last previous lecture, right? Chapter 6, transmission line parameter. So far, we discussed about the basic concept of transmission line parameters, right? And the calculation of inductance, right? So we will proceed with the pending. So what we discussed till now is that what is inductance is basically L equal to psi upon I, right? इसके बाद हमने इंडक्टेंस में फ्लक्स लिंकेज के लिए दो कैलकुलेशन किए, दो केस समझे. फर्स्ट, फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू सिंगल करंट कैरिंग कंडक्टर में हमने कल डेरिवेशन की. किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फ्लक्स लिंकेज हो रहा है वो दो केस की वजह से हो रहा है, एक उसके इंटरनल फ्लक्स की वजह से और एक उसके एक्सटर्नल फ्लक्स की वजह से. जब हम टोटल फ्लक्स लिंकेज निकालते हैं तो हम इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों को काउंट करके चलते हैं, राइट? तो जब हमने कल डेरिवेशन डिराइव की थी फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स की, तो हमने फाइनली हमारा जो रिजल्ट आया था दैट इज म्यू जीरो आई अपॉन 8 पाई आएगा, राइट? दैट इज द साइन इंटरनल, इंटरनल फ्लक्स की वजह से जो फ्लक्स लिंकेज हो रहा था. सेम टाइम पे जो एक्सटर्नल फ्लक्स की वजह से जो फ्लक्स लिंकेज हो रहा था जो कंडक्टर की एरिया के बाहर की तरफ था, ये कंडक्टर है सॉलिड कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शनल, इसके सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक के बीच का कोई सम डिस्टेंस एक्स है जहाँ पे हम फ्लक्स लिंकेज कैलकुलेट कर रहे थे, जिसकी वैल्यू हमें डिराइव करने के बाद आई थी इंट्रीकेशन आर टू इन्फिनिटी, मतलब सरफेस से रेडियस आर, मतलब रेडियस सेंटर से लेके उसके सरफेस तक का, वहां से लेके इनफाइनाइट तक का जो एक्सटर्नल आया था दैट इज म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई. इसके बाद हमने ओवरऑल फ्लक्स लिंकेज निकाला था साई, जिसकी वैल्यू हमारे पास आई थी म्यू जीरो इनटू आई अपॉन 2 पाई 1/4 प्लस इंटीग्रेशन आर टू इनफिनिट डीएक्स बाय एक्स आई थी. इसके बाद फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज 2 वायर लाइन, जिसके अंदर हमारे पास एक सिंगल टर्न था कंडक्टर का, दो कंडक्टर थे ए और बी, राइट? दोनों कंडक्टर की सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस थी वो डी थी और जो कंडक्टर का ए का जो रेडियस था वो था आर. हम किसी एक कंडक्टर की बात कर रहे थे ए पे, जिसके अंदर हम टोटल फ्लक्स लिंकेज कैलकुलेट कर रहे थे. दो टाइप के फ्लक्स लिंकेज होंगे, एक ए का ए में जो करंट फ्लो हो रही है आई ए उसकी वजह से, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, और एक म्यूचुअल इफेक्ट जो पिक्चर में आ रहा था बिकॉज ऑफ ड्यू टू करंट आई बी ऑफ बी कंडक्टर. तो हमने कल कंडक्टर ए का फ्लक्स लिंकेज निकाला था बिकॉज ऑफ इट्स ओन करंट, ये आया था वैल्यू, और एक म्यूचुअल की बी आई बी की वजह से जो फ्लक्स लिंकेज आया था वो आया था. हमने दोनों का एडिशन किया था और डेरिवेशन डिराइव की थी, और फाइनल जो हमारे पास आंसर आया था एल ए इंडक्टेंस वो आया था 2 × 10⁻⁷ एल एन डी अपॉन आर डैश, आर डैश जिसको हमने जीएमआर बोला था कंडक्टर का ज्योमेट्रिक मीन रेडियस, इसकी वैल्यू है आर इंटू ई रेस्ट पावर -1/4 इक्वल टू 0.7788 इंटू आर. लूप का इंडक्टेंस निकालोगे वाइस हो जाएगा, राइट? यहाँ तक हमने किया था. आज मैं डायरेक्टली आपको बुक के थ्रू जाता हूँ, बुक के वीके में था जिसके अंदर जो डेरिवेशन की है हम उसी को आगे फॉलो करते हैं, राइट? तो हमने इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेस का निकाला था, राइट? अब हम निकलते हैं इंडक्टेंस ऑफ थ्री फेस ओवरहेड लाइन. थ्री फेस के केस में हम कैसे इंडक्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे पास यहाँ फिगर में देख रहे होंगे आप, आपके पास तीन कंडक्टर है, कंडक्टर ए, कंडक्टर बी, कंडक्टर सी. कंडक्टर ए के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज आई ए, बी के अंदर जो करंट कैरी कर रहा है दैट इज आई बी, सी जो करंट कैरी कर रहा है दैट इज आई सी, राइट? अब ये जो डी थ्री है, डी थ्री इज द स्पेसिंग, स्पेसिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ए टू द सेंटर ऑफ बी, ए के सेंटर से बी के सेंटर तक का जो गैप है स्पेस है दैट इज डी थ्री. सिमिलरली बी टू सी के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज स्पेसिंग है वो क्या है डी वन, ए से लेके सी तक का जो बीच का स्पेसिंग है वो क्या है डी टू, राइट? अब दो टाइप के केस होते हैं. फर्स्ट केस अगर मैं ये मान के चलूँ कि मेरा लोड बैलेंस है, तो बैलेंस लोड की कंडीशन में मेरा कंडीशन क्या होगी कि तीनों करंट का सम हमेशा क्या होगा जीरो होगा, तो आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी हमेशा क्या होगा जीरो होगा. अब अगर ये लोड बैलेंस है, राइट, तो मैं किसी एक कंडक्टर के एनालिसिस करता हूँ, रेस्ट ऑफ वही एनालिसिस सेकंड कंडक्टर पे भी एप्लीकेबल होगा और वही एनालिसिस थर्ड कंडक्टर पे भी एप्लीकेबल होगा. क्यों होगा? क्योंकि मेरा लोड क्या है बैलेंस है, राइट? तो तीनों फेस के अंदर वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी इंडक्टेंस की. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेट से कंडक्टर ए की. ए कंडक्टर के अंदर
मैं फ्लक्स लिंकेज कैलकुलेट कर रहा हूँ, राइट। तो फ्लक्स लिंकेज विद द कंडक्टर ए, फिर हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे। दो टाइप के फ्लक्स लिंकेज होंगे, एक खुद की करंट की वजह से, एक आएगा म्यूचुअल इफेक्ट की वजह से। तो ए के अंदर करंट फ्लो रही है आई ए, राइट। सो फ्लक्स लिंकेज विद द कंडक्टर ए ड्यू टू इट्स ओन करंट, ये डेरिवेशन हमने कल डिराइव की थी। म्यू जीरो इंटू ए के अंदर करंट कितनी है आई ए, सो म्यू जीरो इंटू आई ए अपॉन टू पाई वन बाय फोर। ए के सेंटर से लेके सरफेस तक की जो रेडियस है दैट इज आर, सो आर टू इन्फाइनाइट डी एक्स बाई एक्स, ये हमने कल डिराइव की थी। लेट से इट इज इक्वेशन नंबर, क्लियर। अब इस ए के ऊपर दो म्यूचुअल इफेक्ट है, बिकॉज ऑफ फर्स्ट, बिकॉज ऑफ कंडक्टर बी और सेकंड कंडक्टर सी की वजह से। बी में जो करंट कैरी हो रही है वो आई बी है, सी में जो करंट कैरी है वो आई सी है। ये दोनों इस ए के ऊपर म्यूचुअल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये दोनों करंट। तो फ्लक्स लिंकेज विद द कंडक्टर ए बिकॉज ऑफ ड्यू टू करंट आई बी। अब आई बी से ए तक का डिस्टेंस कितना है, स्पेस कितना है, डी थ्री, राइट। तो इस इक्वेशन में, ये तो इंटरनल था और ये एक्सटर्नल था, तो हमें ये पोर्शन लेना है एक्सटर्नल। तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, म्यू जीरो बी के अंदर करंट कौन सी है आई बी अपॉन टू पाई। इंटीग्रेशन कहाँ से जाएंगे, सरफेस तक की डिस्टेंस कितनी है, डी थ्री से लेके इनफाइनाइट डी एक्स बाई एक्स। सेम चलेगा किसके लिए, सी के लिए चलेगा। सी से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है, डी टू, सो डी टू टू इनफाइनाइट डी एक्स बाई एक्स। करंट कितनी है आई सी। तो टोटल एक कंडक्टर के ऊपर तीन फ्लक्स लिंकेज हुए, कौन कौन से थ्री फ्लक्स लिंकेज है। फर्स्ट ए की वजह से जो करंट है वो आई ए है, उसका सेल्फ फ्लक्स लिंकेज हो रहा है। बी की वजह से, बी में जो करंट है वो आई बी है, उसका म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज हो रहा है। सी जिसमें करंट आई सी है उसका भी म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज हो रहा है। तो टोटल साई ए फ्लक्स लिंकेज कितना हुआ, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू प्लस इक्वेशन थ्री, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी की वजह से। तीनों इक्वेशन को हमने यहाँ पे रखा। अब देखो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तीनों में कॉमन क्या है, म्यू जीरो पॉइंट टू पाई, म्यू जीरो पॉइंट टू पाई, म्यू जीरो पॉइंट टू पाई, इसको बाहर ले लो, आई ए को मल्टीपल कर लो। तो ये क्या हुआ, वन बाई फोर प्लस इंटीग्रेशन आर टू इन्फाइनाइट डी एक्स बाई एक्स इंटू आई ए, राइट। प्लस ये कितना हुआ, डी थ्री टू इन्फाइनाइट डी एक्स बाई एक्स इंटू आई बी। प्लस ये कितना हुआ, डी टू टू इन्फाइनाइट डी एक्स बाई एक्स इंटू आई सी। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके। ये वन बाय वन फोर का वन बाय फोर, इंटीग्रेशन आर टू इन्फाइनाइट डी एक्स बाई एक्स, एल एन एक्स, एल एन एक्स की लिमिट आएगी इन्फाइनाइट आर, सो एल एन इन्फाइनाइट माइनस एल एन आर। तो ये एल एन इन्फाइनाइट ये रहा आई ए के साथ, आई ए तो मल्टीपल हो गई, एल एन इन्फाइनाइट माइनस एल एन आर यहाँ आ जाएगा, आई ए, आई ए ब्रैकेट एल एन इन्फाइनाइट माइनस एल एन आर। तो एल एन इन्फाइनाइट को मैंने थोड़ा अलग ले लिया आई ए का माइनस एल एन आर। सेम यहाँ पे भी चलेगा, आई बी एल एन इन्फाइनाइट माइनस एल एन डी थ्री, एल एन इन्फाइनाइट माइनस एल एन डी थ्री। तो आई बी एल एन इन्फाइनाइट आ गया माइनस आई बी एल एन डी थ्री आ गया। थोड़ा सेपरेट कर दो, इन्फाइनाइट वाले को अलग ले लो, रेस्ट ऑफ पोर्शन को अलग ले लो। सेम यहाँ पे भी चलेगा, आई सी एल एन इन्फाइनाइट माइनस एल एन डी टू, तो आई सी एल एन इन्फाइनाइट माइनस आई सी एल एन डी टू। आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी, वी नो डेट आई ए प्लस आई बी आई सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया कैंसल जीरो, इस पोर्शन बचा ये, इसको हमने यहाँ ले लिया। तो ये क्या आया, साइन ए फ्लक्स लिंकेज आया, राइट। किसका फ्लक्स लिंकेज आया, थ्री फेस लाइन का, इंडक्टेंस ऑफ थ्री फेस लाइन का। अब तीन कंडक्टर एक दूसरे से स्पेसिंग है, राइट, ये तीन। अब यहाँ पे दो केस आएंगे, फर्स्ट केस आएगा सिमेट्रिकल स्पेसिंग, सेकंड केस आएगा अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग। दोनों केस में क्या चेंज आता है, सिमेट्रिकल स्पेसिंग मतलब क्या कि इन तीनों की जो डिस्टेंस है डी वन डी टू और डी थ्री, ये तीनों इक्वल डिस्टेंस है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल स्पेसिंग। सो इन केस ऑफ सिमेट्रिकल स्पेसिंग ये तीनों डिस्टेंस सेम है, मतलब डी वन डी टू डी थ्री किसके इक्वल हो गया, डी, लेट से हमने क्या मान लिया डी। तो अब हमारी इक्वेशन क्या होगी, ये जो इक्वेशन है साइए की, इसको हम चेंज करते हैं, साइए का साइए रहेगा, म्यूजर अपॉन टू पाई एज यूजल रहेगा, वन बाई फोर भी एज यूजल रहेगा, माइनस लॉग आर भी एज यूजल रहेगा, आइए का आइए भी रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, आई बी का आई बी रहेगा, डी थ्री किसके इक्वल हो गया डी, तो डी थ्री की जगह हमने क्या रख दिया डी, यहाँ पे भी डी टू की जगह क्या रख दिया, क्लियर। इसको थोड़ा सॉल्व करो, दोनों में कॉमन क्या आ गया, लॉग डी, तो क्या बचा, आई बी प्लस आई सी बचा। उनको पता है कि आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी जीरो होता है, तो आई बी प्लस आई सी क्या होगा, माइनस आई ए, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस आई ए हो गया, क्लियर। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, आई ए, आई ए को रख दो बाहर,
तुम्हारी इक्वेशन क्या होगी, म्यू जीरो इंटू आई अपॉन टू पाई वन बाय फोर। अब यहाँ देखो लॉग डी माइनस लॉग आर एल एन ए माइनस एल एन बी इक्वल टू एल एन ए बाई बी, राइट। तो एल एन डी डिवाइड बाई एल एन, क्लियर यहाँ तक। ये आया साई ए, वहां से निकालो एल ए, एल ए इक्वल टू साई ए अपॉन आई ए। इसके मैं आई ए का डिवाइड करोगे तो आई ए से आई ए क्या हो जाएगा, कैंसर। क्या बचेगा, म्यू जीरो अपॉन टू पाई वन बाय फोर एल एन डी अपॉन। म्यू जीरो की वैल्यू मेरे को पता है 4 पाई इंटू टेन स्टोर माइनस सेवन डिवाइड बाई टू पाई, ये वैसा का वैसा, राइट। ये हुआ 2, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, 2 को अंदर मल्टीपल कर लो तो ये हुआ 2 बाई 4 मतलब 1 बाई 2, 1 बाई 2 मतलब 0.4 प्लस 2 लॉग ए डी अपॉन। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ कब, जब कंडक्टर तीनों सेम डिस्टेंस पर होंगे तब, सिमेट्रिकल स्पेसिंग ऑफ थ्री फेस कंडक्टर, क्लियर। बट अगर अनसिमेट्रिकल हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी, अगर ये तीनों कंडक्टर अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग है मतलब तीनों के बीच की डिस्टेंस सेम नहीं है, का मतलब क्या है कि अगर डिस्टेंसिंग सेम नहीं है तो तीनों का फ्लक्स लिंकेज जो हो रहा है इंडक्टेंस का तीनों फेज में वो भी सेम नहीं होगा, क्योंकि तो एल ए की वैल्यू अलग होगी। देखो यहाँ पे सिमेट्रिकल केस में क्या था, जो एल ए की वैल्यू आई थी सेम वही वैल्यू आएगी एल बी की, टेन स्टोर माइनस फाइव जीरो पॉइंट फाइव प्लस टू लॉग ई डी एफ होना, वही वैल्यू आएगी एल बी की, सेम वैल्यू आएगी एल सी की। सो एल ए इक्वल टू एल बी इक्वल टू एल सी, तीनों केस में तीनों कंडक्टर का इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है। बट अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग है तो ये इक्वेशन सेम नहीं आएगी, तो तीनों फेज में फ्लक्स लिंकेज और इंडक्टेंस सेम नहीं होगा। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि हर फेज का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, राइट। डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप होगा, भले तुम्हारे करंट बैलेंस है पर वोल्टेज ड्रॉप हमेशा सेम नहीं होगा, तो जो रिसीविंग एंड साइड का वोल्टेज है वो भी सेम नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम करते हैं ट्रांसपोजिशन। क्या करते हैं, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन मतलब क्या है कि हम हर कंडक्टर के पोजीशन को रोटेशन करेंगे। सपोज ट्रांसपोजिशन मींस कैसे, देखिए इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। तीन पोजीशन है, 1 2 3। एक पोजीशन पे कंडक्टर ए है, सेकंड पोजीशन पे कंडक्टर बी है, थर्ड पोजीशन पे कंडक्टर सी है। लेट्स से ये लेंथ 1 मीटर है, 1 मीटर की लेंथ बाद हर कंडक्टर का ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, वो कंडक्टर अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के किसी और कंडक्टर की पोजीशन ले लेगा, तीनों कंडक्टर रोटेट करेंगे, राइट। तो देखो ये कंडक्टर पोजीशन 1 पे था 1 मीटर तक, नेक्स्ट 1 मीटर में वो कंडक्टर बी की पोजीशन पे आ जाएगा, देखो ये, और उसके नेक्स्ट 1 मीटर पे वो कंडक्टर सी की पोजीशन के लेवल के बराबर आ जाएगा। सेम तीनों रोटेट होते रहेंगे, ये बी कंडक्टर अभी सेकंड पोजीशन पे था, 1 मीटर बाद थर्ड की पोजीशन पे आ गया, फिर 1 की पोजीशन पे आ गया, तो 2 3 1 2 3 1 सीक्वेंस चलता जाएगा। इस ए का 1 2 3 1 2 3 चलता जाएगा, और ये 3 फिर 1 फिर 2 3 1 2 चलता जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो एवरेज इंडक्टेंस निकलेगा वो सब तीनों का कंडक्टर का क्या होगा, सेम होगा। हर कंडक्टर का एवरेज इंडक्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो जो अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग की जो प्रॉब्लम है हम उसको हटा सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे तीन फेज है, तीन करंट है, तो तीन करंट को कैसे सोल्व करना। अगर हमको पता है कि सिस्टम बैलेंस है और आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी कितना हो गया है, जीरो हो गया है, राइट। तो ये देखो ये आई ए है, ये आई बी है, ये आई सी है, तीनों के बीच में कितना गैप है, 120 डिग्री का गैप है, राइट। तीनों के बीच में 120 डिग्री का गैप है, तो लेट से कि तीनों करंट सेम है तो हमने इसको आई मान लिया। आई ए ये जीरो डिग्री पे, तो आई ए इक्वल टू आई ए एंगल जीरो डिग्री। एंगल जीरो डिग्री मतलब ई रिश टू पावर आई जीरो, आपने पढ़ा होगा पहले कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा में, ई रिश टू पावर आई थीटा मतलब ई रिश टू पावर आई थीटा मतलब कोस थीटा प्लस आई आयोटा साइन थीटा, राइट। अब ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में 120 डिग्री की बात है, ये 120 ये 240, राइट। आई बी कितने डिग्री बात है, देखो ये 120 ये 120 टोटल कितना हो गया 240, या फिर इस साइड से जाओगे तो -120, समझ में आ रहा है। आई बी विथ रेस्पेक्ट टू आई ए 120, 120, 240, या फिर नीचे से जाओगे एंटी क्लॉकवाइज तो 120, -120। तो हमने क्या लिखा, आई बी इक्वल टू आई एंगल -120, मतलब ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कॉस थीटा कितना है, -120, तो कॉस -120 प्लस जे साइन -120। कॉस -थीटा कॉस थीटा मतलब कॉस 120 हो गया, कॉस 120 मतलब -1/2 होता है, साइन -थीटा मतलब -साइन थीटा होता है, साइन 120 मतलब रूट 3/2 होता है। सो -1/2 कितना हो गया 0.5, और रूट 3/2 कितना हो गया 0.86। तो ये किसकी वैल्यू आई, आई बी की वैल्यू। सेम प्रोसीजर करोगे आईसी में, जहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा +120 जगह, देखो ये आईसी का एंगल कितना है 120,
तो इसकी वैल्यू आएगी -0.5 प्लस जे 0.866 आया यहाँ पर, राइट। अब ये आईबीआईसी आईए आईबीआईसी रख दो हमारी एक इक्वेशन में, जो ये हमने डिराइव की ना फर्स्ट, ये वाली सही है, सही है कि ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन यहाँ पे फिर से लिखिए, इसमें आईए आईबी और आईसी की वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो देखो ये 1/4 माइनस लोअर आईए की जगह आई, फिर आईबी की जगह ये पूरा लोग डी थ्री, आईसी जगह ये रखा और लोग डी थ्री, मल्टीपल करो सबको, राइट। सबको मल्टीपल करने के बाद कॉमन ले लो, ये वैसा का वैसा रहेगा, ये वैसा रहेगा। देखो ये 0.5 आई दो पार है, 0.55 ले लो इसको, बाकी दोनों को अलग ले लो। यहाँ पे जे 0.86 इसको ले लो, इन दोनों को ले लो, कैसा करोगे सॉल्व, ये वैसा का वैसा रहेगा, ये भी वैसा रहेगा। यहाँ देखो 0.5 मतलब रूट हुआ लोग ए प्लस एल एन ए प्लस लोग बी, लोग ए इंटू बी, तो दोनों को मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो गया लोग डी टू इंटू डी थ्री। 0.5 ऊपर रूट पे चला जाएगा तो लोग रूट टू ऑफ डी टू डी थ्री, लोग ए माइनस लोग बी लोग ए बाई बी तो लोग डी थ्री बाई डी टू, और ये वैसा का वैसा रहेगा। इन दोनों में आई कॉमन आ गया तो क्या बचा, लोग ए माइनस लोग बी तो लोग ए बाई बी, तो आर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा इन दोनों में आर, और इसमें ये वैसा का वैसा रहेगा। तीनों में आई क्या आ गया कॉमन, उसको बाहर ले लो, तो ये पोर्शन बचा, राइट। इंडक्टेंस निकालना एल, एल इक्वल टू साई अपॉन आई होता है, राइट। तो आई से आई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये तुम्हें क्या मिला, एल एम मिला, एल एम मिला ए का। देखो अब ए का मिला तो यहाँ पे दो पोर्शन कौन सा है, डी टू डी थ्री, मतलब बाकी बी और सी के साथ जो डिस्टेंस थी ना वो आई है, और डी थ्री बाई डी टू आई है, राइट, रोटेशन में। फिर म्यू जीरो की वैल्यू रखी 4π × 10⁻⁷, तो 2π से 2π, 4π कैंसिल, तो 2 बचा, 2 को अंदर मल्टीपल कर दो, तो 2 1/2, और ये भी 2 हो गया, और इसको भी 2 के साथ मल्टीपल, ये आंसर आया फाइनल, एक आया। सेम इक्वेशन बी के लिए कैसे लिख सकते हैं, देखो जब ए के लिखा था तो ए की बाकी दोनों से डिस्टेंस कितनी थी, 2 3, डी टू डी थ्री थी। जब बी के लिखेंगे तो बी की ए के साथ और बी की सी के साथ डिस्टेंसिंग कितनी है, डी थ्री डी वन। सी के लिए लिखेंगे तो सी की ए के साथ और सी की बी के साथ डिस्टेंस कितनी है, डी वन डी, डी टू डी थ्री, डी थ्री बाई डी टू, डी वन बाई डी थ्री और डी टू बाई डी वन। क्लियर, तीनों का सम करोगे तो ये दोनों फाइनल आंसर आएगा, इन तीनों का सम करोगे। क्लियर, कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ जीएमडी म्यूचुअल जीएमडी, और इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ताकि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूमेरिकल आएंगे, राइट। तो हम इसका न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और मुझे कॉल कर सकते हैं, राइट।